तो यहाँ पे है पीआईआर सेंसर। पीआईआर सेंसर का फुल फॉर्म क्या होता है? पेसी इंफ्रारेड, ठीक है, सेंसर। क्या काम करता है पेसी इंफ्रारेड सेंसर? ये किसी दूसरे की हीट के ऊपर वर्क करता है। ओके, नॉर्मली डिफरेंस क्या होता है कैमरे में और पीआईआर सेंसर में? कैमरा डिटेक्ट करता है ह्यूमन, कोई भी चीज को, वो सिर्फ फ्रेम डिटेक्ट करता है। पीआईआर सेंसर जो होता है वो मोशन ऑफ हीट डिटेक्ट करता है। ध्यान रखिएगा बात को, मोशन ऑफ हीट। और हम इसको ये बोल सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट। चेंज ऑफ हीट अगर होगा तो पीआईआर सेंसर एक्टिवेट हो जाता है। पीआईआर सेंसर होता है डिजिटल सेंसर। तो अगर जो हीट है वो अगर स्टडी है, स्टडी है तो वर्क नहीं करेगा। हीट होता है, डिटेक्ट होगा, और हीट अगर स्टडी होगी तो पीआईआर सेंसर एक्टिवेट नहीं होगा। बट हीट अगर मोशन में होगी तो ही हीट जो होगी वो मोशन में अगर होगी तो ही पीआईआर सेंसर जो होगा वो एक्टिवेट हो जाएगा। ओके, और क्योंकि वो डिजिटल पे है तो वो वन लॉजिक देगा। वन का मतलब लॉजिक है यहाँ पे, अगर मैं कोडिंग की वाइज कर बात करता हूँ तो वो हाई देगा, कोड के अंदर वो हाई देगा। और अगर मैं वोल्टेज में बात करता हूँ तो वो 5 वोल्टेज देगा। और यहाँ पे वो क्या देगा, जब पीआईआर सेंसर ऑफ रहता है तब वो 0 लॉजिक देगा, लो को प्रोग्रामिंग के हिसाब से देगा, और 0 वोल्टेज पावर सप्लाई में देगा। ओके, सो ये था अपना पीआईआर सेंसर के बारे में। अब पीआईआर सेंसर में होते हैं 3 पिन। एक होता है 5 वोल्ट, एक होता है आउटपुट, एक होता है ग्राउंड। ये हमेशा चलता है 5 वोल्ट पे, तो ध्यान रखना इसको कभी भी ज्यादा वोल्टेज नहीं देते। आउटपुट के ऊपर ये या तो 0 वोल्टेज देगा या 5 वोल्टेज देगा। ओके, और ग्राउंड के ऊपर ये ग्राउंड देगा। ये जो 5 वोल्टेज होता है ये हमेशा रहता है मैक्सिमम पावर सप्लाई। अगर आपकी पीआईआर सेंसर 5 वोल्ट पे चलता है तो ये 5 वोल्ट पे देगा। कोई पीआईआर सेंसर अगर ऐसा है जो 3.3 वोल्टेज पे चलता है तो यहाँ पे 0 वोल्टेज या 3.3 वोल्टेज आएगा। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब अपन पीआईआर सेंसर देखते हैं कैसे दिखता है। So, PIR सेंसर दिखता है ऐसा। ओके, इसके बारे में देखेंगे अब। ये इसकी 3 पिने होती हैं, इनके बारे में बताया था। एक होती है पॉजिटिव, एक होती है सिग्नल की, और एक होती है नेगेटिव, जिसके ऊपर हम ग्राउंड जोड़ते हैं। ओके, नाउ ये जो मिल्की क्लाउडी डूम होता है, इसकी खासियत ऐसी होती है कि हीट कहीं भी डिटेक्ट होगी, ये हीट को पूरा, जो भी इमेज डिटेक्ट होती है हीट की, उसको पूरा इस जो ये मिल्की जैसा शेप है क्लाउडी का, इसके अंदर धूम जैसा शेप है, इसके अंदर वो पूरी हीट को स्प्रेड कर देता है। इसकी वजह से क्या होता है, हीट थोड़ी और एनहांस हो जाती है। और अगर एक परिंदा भी उड़ रहा है तो हम परिंदे की हीट को भी यहाँ पे डिटेक्ट कर सकते हैं। ये सेंसर की खासियत होती है। ओके, और इसका शेप इसीलिए ऐसा बनाया जाता है ताकि हर एंगल से ये हीट को डिटेक्ट कर सके।
एंड अगर आप इसके शेप को अगर ध्यान से देखोगे तो ये जो बनता है ये हमारे हनी बी या जो हाउस फ्लाई होती है उसकी आंख जैसा होता है। अगर आपने मक्खी पिक्चर देखी होगी तो उसमें आपने रियलाइज किया होगा कि वो जो हीरो जब मक्खी बनता था तो उसको विलन हर तरफ दिखता था, बहुत अच्छे से दिख पाता था, थोड़ा से भी कुछ चेंज करते हैं तो उसको हर जगह से दिखता था वो। तो इसी वजह से इसका ऐसा शेप होता है। देन यहाँ पे दो पोटेंशियोमीटर दे रखे होते हैं। पोटेंशियोमीटर ये पॉट का काम करते हैं, ये एक वेरिएबल रजिस्टर होता है। ओके तो वेरिएबल रजिस्टर कैसे काम करता है उसकी मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर रखी है, वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा कि सिर्फ वेरिएबल रजिस्टर कैसे काम करता है। अब क्या होता है कि एक जो वेरिएबल रजिस्टर होता है उसका काम होता है टाइम डिपेंड करना। टाइम का डिफरेंस मतलब कि पहली हीट डिटेक्ट हुई, हीट का थोड़ा सा चेंज हुआ, जैसे मैं बैठा हुआ था मैं हल्का सा हिला तो जब मेरी बॉडी हिलती है तो पीआई सेंसर ने मुझे डिटेक्ट कर लिया, पीआई सेंसर ट्रिगर हो जाएगा और वो जो भी आउटपुट देना हुआ आउटपुट 1 दे देगा। अब वापस से कब हीट डिटेक्ट करनी है तो उसके बीच में दोनों के बीच में कितना टाइम होना चाहिए वो टाइम यहाँ पे डिफाइन होता है। तो 3 सेकेंड से लेके हम लोग 8 मिनट तक का टाइम चेंज कर सकते हैं। मतलब एक होगा कि मैं अभी अभी मेरी बॉडी में मूवमेंट हुआ है, जस्ट 3 सेकेंड बाद वापस से पीआर सेंसर मेरी हीट चेक करेगा कि क्या मोशन इन हीट है या स्टडी हीट है, फिर 3 सेकेंड बाद वापस से हीट चेक करेगा। और दूसरा होता है कि एक बार अगर चेक कर लिया तो उसके 8 मिनट बाद ये चेक किया जाएगा। ये जो एप्लीकेशन होती है 3 सेंसर की लोएस्ट की। अब क्वेश्चन ये भी आता है कि हमेशा रेंज क्यों दे रखी है यहाँ पे, आप डायरेक्टली एक पर्टिकुलर टाइम दे देते कि भैया 10 सेकेंड बाद में ही आप वापस से हीट चेक चेंज करोगे, तो बिल्कुल हम दे सकते थे। बट सेंसर जो बनाया जाता है वो हमेशा यूनिवर्सल एप्लीकेशन के लिए बनाया जाता है। तो लोअर टाइमर की जो रेंज होती है वो यूज किया जाता है डोर के अंदर। आपने अगर मॉल के डोर देखे होंगे तो जैसे ही हम गेट के पास जाते गेट अपने आप खुल जाते और तो ऊपर में एक सेंसर लगा होता है जो कि होता है पी आई आर सेंसर, वो हमारी हीट को डिटेक्ट करता है। आपके जस्ट पीछे एक और कोई कैंडिडेट अगर आ रहे हैं तो उनके लिए भी गेट खुलना चाहिए, राइट। तो इसीलिए वहां पे एक और पीआर सेंसर की जो वैल्यू होती है वो 3 सेकेंड 4 सेकेंड करी जाती है ताकि वो बैक टू बैक हीट चेंज डिटेक्ट कर सके। देन आता है 8 मिनट क्यों दिया था। फिर 8 मिनट इसलिए दिया जाता है ताकि अगर आप ये सेंसर बाथरूम में लगा देते हो तो एक बार आपकी हीट डिटेक्ट होगी, अब उसके बाद में आपको हिलने डुलने की जरूरत नहीं, वहां पे आप आराम से इतना अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो। फिर वापस से 8 मिनट बाद ही वो डिटेक्ट करेगा कि हीट के अंदर चेंजेस हो रहे या नहीं हो रहे। ओके तो जैसे 8 मिनट वाला जो पोर्शन होता है वो मोस्टली बाथरूम वगैरह में यूज किया जाता है, और 3 मिनट वाला या जैसे ऑफिस वगैरह में रूम में वगैरह यूज किया जाता है, और 3 मिनट वाला 3 सेकेंड वाला जो होता है वो डोर्स के लिए यूज किया जाता है। ओके ये थे हमारे पीआर सेंसर के पॉट। अच्छा ये मैंने थोड़ा सा गलत बना दिया, ये इधर ये एरो नहीं था, ठीक है, इसमें इन दोनों के बारे में बात हो रही थी। अब आता है कि जो सेकंड एरो सेकंड पॉट जो होता है, ये सेकंड पॉट का काम क्या होता है वेरिएबल रजिस्टर का, ये सेंसिटिविटी डिटेक्ट करता है कि कितना हीट का अमाउंट पीआर सेंसर को सेंस करना है। जैसे क्या परिंदा उड़ता है उसको सेंस करना है, या इंसान डांस कर रहा है उसकी हीट को सेंस करना है, या इंसान वॉक करके आ रहा है उसकी हीट को सेंस करना है। तो दोनों में ही डिफरेंस होता है जिसकी वजह से हम ये पीआर सेंसर की सेंसिटिविटी सेट करते हैं। जैसे अगर हम डोर वाला एप्लीकेशन लेते हैं तो डोर वाले एप्लीकेशन के अंदर आप गेट के बाहर खड़े हो जाइए, गेट जब बंद हो जाएगा आप हिलिए मत, पीआर सेंसर काम नहीं करेगा। आप सिर्फ अपना हाथ वगैरह हल्का सा गर्दन वगैरह आप खड़े होकर बाहर बात कीजिए, जिसमें आपके बॉडी के पोर्शन में हैंड हिल रहे हैं, गर्दन हिल रही है आपकी, पीआर सेंसर एक्टिवेट नहीं होगा। बट जब आपकी पूरी की पूरी बॉडी हिलती है तभी पीआर सेंसर एक्टिवेट होगा। तो यहाँ पे हम अमाउंट ऑफ हीट को कितना सेंसिटिव चीजों का हमें सेट करना है वो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ओके सो दिस इज अबाउट पीआर सेंसर। We'll be right back.